हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल फैब मेघना। तो आज जो वीडियो है वो एक रिव्यू वीडियो है। लॉरियल पेरिस ने हाल ही में एक्चुअली एक स्टिक फाउंडेशन को रिलीज किया है एंड दैट इज दिस स्टिक फाउंडेशन, एंड इसे मैंने नायका से मंगवाया है। सो आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस प्रोडक्ट टुडे। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो, इफ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल डियर, देन प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल। बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड इफ यू वॉन्ट टू शेयर माई वीडियो विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, देन इट्स अप टू यू। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वो लाइक बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस फाउंडेशन के बारे में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, and everything about this foundation. तो ये है L'Oreal Paris की नया स्टिक फाउंडेशन। इसमें 5 शेड्स अवेलेबल है। इस वक्त जो मैंने मुंह पे लगाया है वो है शेड नंबर 160 सैंड, एंड दिस इज लाइटेस्ट शेड में, एंड दिस मैचेस माई स्किन वेरी नाइसली। एज यू कैन सी, मेरे हाथ के कलर एंड स्किन के कलर, नेक के कलर सब एक लग रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड मैच फॉर माई स्किन टोन। अगर आपका स्किन टोन मेरे स्किन टोन से मैच करता है तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड पिक दिस अप। अब कहती हूँ इसका बाकी के बारे में, इसके बाकी के बारे में। नाउ दिस रिटेल्स फॉर 599 and you will get 9 grams of product. 9 grams of product आपको मिल रही है एंड 599 इसकी प्राइस है। और 2 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, एंड 5 शेड्स अवेलेबल है इस वक्त मार्केट में, विच इज़ आई थिंक नॉट इनफ फॉर कैटरिंग टू ऑल द इंडियन स्किन टोन्स। लेकिन क्या करें, कंपनी ने 5 ही शेड्स मतलब लेकर आए हैं। वेरी वेरी डस्की जो लोग हैं, बहुत डार्क स्किन टोन्स हैं, उनके लिए कोई भी शेड्स नहीं है मैंने जो देखा है। आई थिंक द 5 शेड्स विल कैटर टू मोस्टली टू फेयर टू मीडियम स्किन टोन पीपल, और बहुत ज़्यादा डार्क स्किन टोन पीपल्स के लिए ये शेड सही नहीं है। सो दैट इज़ एन इशू। एनी वे, लेट्स कम टूवर्ड्स द पैकेजिंग। पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, आउटर कोई बॉक्स या पैकेजिंग में नहीं आया था नायका से, ये बबल रैप्ड होके आया था। सो या, दिस इज़ द वन। एंड इसके बाद जब इसको आप खोलोगे ऐसे लिपस्टिक के जैसा ये खोलते हो, एंड इसको श्विल करने के बाद ये पूरा प्रोडक्ट आपका ये बाहर आती है। सो 9 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट इज लाइक नॉट टू मच, नॉट टू लिटिल। अगर आप रोज़ यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली 2 साल से पहले ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँगी कि ये प्रोडक्ट बहुत कम लगता है। जो स्टिक फाउंडेशन की मतलब जो है कि आप उसको लगाओगे एंड उसके बाद आप उसको ब्लेंड करोगे, ये तो आप हाथ में लेके नहीं लगा सकते हो, डायरेक्टली लगाते हो। सो इन द सेम वे आप डायरेक्टली लगाओगे। एंड ये मैंने ब्रश से पूरे फेस में किया था, एंड उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से फिर लिटिल बिट ब्लेंड किया था। तो दिस इज़ लाइक मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन फॉर मी, क्योंकि मेरे मुंह में बहुत सारा एक्नीज है, पिंपल्स है, स्कार्स है, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि कुछ भी नहीं है। एंड मैंने आज कंसीलर यूज़ नहीं किया है, ना तो अंडर आई के लिए यूज़ किया है, ना ही इन पिंपल्स को ढकने के लिए यूज़ किया है, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टे ट्रू टू दिस फाउंडेशन एज आई विल बी डूइंग अ वेट टेस्ट ऑल्सो। तो इसलिए मैंने कोई भी कंसीलर यूज़ नहीं किया है, मैंने इसी को कंसीलर की तरह भी यूज़ किया है। पहले जब मैंने लगाया था तो मेरे पिंपल्स दिख रहे थे, सो सेकेंड लेयर एंड लिटिल बिट थर्ड लेयर देने के बाद, बस वो स्पॉट मार्किंग करने के बाद वो सब ढक गया। एंड दिस इज़ एन अमेजिंग फाउंडेशन, आई मस्ट से डियर, ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। माई स्किन इज़ वेरी ऑयली, इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज़ नॉट मेकिंग माई स्किन ऑयली। मैंने पाउडर से बस एक बार सेट किया है, बट इट डजेंट एसेंचुएट्स योर पोर्स। सबसे अच्छी बात है तो ये ओवरली ड्राइंग नहीं है, ओवरली मैट नहीं है, येट इट्स लाइक अ पाउडर मैट फिनिश। और आपके अगर मुंह में कोई ड्राई पैचेस हैं वहाँ पे ये सेटल नहीं हो रही है, अंडर आइज में कोई क्रीजिंग नहीं हो रही है, 2 घंटा से ऊपर हो गया है क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ, एक के बाद एक शूट कर रही हूँ। बीच में मैंने उठा भी था, घर के थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम था तो वो भी मैंने थोड़ा सा किया है, बेटी को भी मैंने सुला दिया है, छोटी वाली को। तो इस बीच आई थिंक मोर देन 2 आवर्स अभी हो गया है, तब भी मेरे फाउंडेशन मेरे मुँह में ऐसा लग रहा है कि इट्स एब्सोल्युटली फ्लॉलेस, कि अभी
भी मैंने लगाया है एंड दिस डज नॉट ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज भी नहीं हो रही है. ऊपर से जब लगाओगे तो ये क्रीमी क्रीमी टेक्सचर है, लेकिन बाद में दिस सेटल्स टू मैट बट नॉट कम्प्लीटली मैट. दिस हैड अ लिटिल बिट ऑफ लाइक वॉट टू सिल, नॉट अ डूई फिनिश, लेकिन ऐसा ही आपको लगेगा. अब अगर हाईलाइटर नहीं भी यूज़ करोगे ना तो आपको फिर भी लगेगा कि कुछ ग्लो ग्लो जैसा कर रहा है. सो दैट इज़ द फिनिशिंग ऑफ दिस फाउंडेशन एंड आई रियली लाइक एंड एडमायर द फिनिशिंग ऑफ दिस फाउंडेशन. अगर आप देखोगे कि अंडर आई एरिया में कहीं पे भी क्रीजिंग नहीं हो रहा है, मेरे स्माइल लाइंस पे भी अभी क्रीजिंग नहीं हुआ है. मैंने मेकअप फिक्सर नहीं यूज़ किया है जस्ट टू सी हाउ लॉन्ग दिस फाउंडेशन स्टेज ऑन माई फेस एज इट इज़. तो एकदम फ्लॉलेस है, एकदम फ्लॉलेस है. और ब्रश से जब मैंने इसको ब्लेंड किया एकदम इजीली ये हो गया था. आई डिडंट फाइंड दिस टू बी यू नो टैकी, आई डिडंट फाइंड दिस टू बी पैची. इट्स एब्सोल्युटली द बेस्ट फॉर्मूला आई थिंक वन कैन लुक फॉरवर्ड लाइक. बस मुझे लगता है कि शेड कार्ड में थोड़ा रेंज और उन लोगों को लेकर आना चाहिए बिकॉज ऑल माई डस्की ब्यूटीज आउट देयर, द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गॉर्जियस लेडीज आउट देयर, वो लोग ताकि यूज़ कर सके. सच एन अमेजिंग फाउंडेशन, अमेजिंग फॉर्मूला है इसका. और पैकेजिंग मैं कहूँगी कुछ खास नहीं है. आई थिंक ब्लैक एंड इसके ऊपर ये जो जा रहा है ना, कहीं से मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा है. आई थिंक दे कुड हैव डन अ बेटर पैकेजिंग. लाइक इफ़ यू सी मेकअप रेवोल्यूशन स्टिक फाउंडेशन पैकेजिंग, ओ माई गॉड इट्स सच अ ब्यूटिफुल पैकेजिंग. तो द पैकेजिंग वन आई एम लिटिल बिट लाइक डिसअपॉइंटेड. बट एनी वे दिस फाउंडेशन इज लाइक आई कैन से सूटेबल फॉर ऑल स्किन टोन. आपका स्किन टोन ड्राई हो, आपका स्किन टोन नॉर्मल है, आपका स्किन टोन ऑयली है, यू कैन गो एंड ट्राई दिस फाउंडेशन. बहुत ज़्यादा अगर ड्राई है तो मैं कहूँगी मॉइस्चराइजिंग अच्छी तरह से कर लीजिए, एक डूई प्राइमर यूज़ कर लीजिए एंड फिनिशिंग में आप डूई सेटिंग स्प्रे यूज़ कर लीजिए. दिस फाउंडेशन विल वर्क लाइक मैजिक ऑन योर स्किन ऑल्सो. तो आप अगर ढूंढ रहे हो अच्छा सा स्टिक फाउंडेशन तो आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हो. एंड ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छा है क्योंकि ये स्टिक फाउंडेशन है तो गिरने का कोई सवाल ही नहीं है, कहीं स्पिल आउट नहीं होगा, तो आप इजीली इसको कैरी कर सकते हो. हाँ, हाथ से अगर गिरेगा तो ये टूटेगा, दिस इज़ लाइक अ प्लास्टिक, तो दैट इज़ द थिंग. और इंग्रेडिएंट लिस्ट यहाँ पे मेंशन है, बहुत छोटा छोटा है यहाँ पे इंग्रेडिएंट लिस्ट, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ. बट आई थिंक दिस हैज़ पैराबेन क्योंकि लॉरियल एंड लॉरियल के प्रोडक्ट्स में पैराबेन्स होते हैं. इफ़ आई एम रॉन्ग देन आई राइट इट डाउन ऑन द स्क्रीन. लेकिन मुझे लगता है इसमें पैराबेन है. बट इसके ऊपर जो भी मैंने लगाया है लाइक द हाईलाइटर, द ब्रॉन्जर, द ब्लशर एंड एवरीथिंग वेंट flawlessly. एंड इसकी मैं वेयर टेस्ट भी कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में एंड में उसका भी क्लिपिंग दे दूँगी कि 2 घंटा 4 घंटा एंड आफ्टर दैट हाउ लॉन्ग आई कैन स्टे, आई डोंट नो, बट कैसा ये फाउंडेशन मेरे फेस पे लग रहा है. सो यस गाइज, वी विल मीट अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन टेक केयर एंड बाय. तो फिलहाल 2 घंटा हो चुका है अभी फाउंडेशन को लगाने के बाद एंड मैं अपनी खिड़की के सामने खड़ी हूँ और जो देख रहे हो आप कि फ्लॉलेस लग रही है फाउंडेशन एंड उसके ऊपर जो मेकअप मैंने किया है वो भी अच्छा लग रहा है. और सबसे अच्छी बात ये है कि इस साइड पे मैंने प्राइमर लगाया है, इस साइड पे प्राइमर नहीं लगाया तब भी बोथ लुकिंग सेम एंड फ्लॉलेस. सो यह 2 घंटा हुआ है, आगे चल के मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी. ओके, अभी 5 आवर्स होने को है, पीछे 2 बजने को है एंड मैं 9 बजे शूट कर रही थी एंड तब मैंने वीडियो लिया था कि 2 घंटा हो चुका है 11 बजे. अभी 5 आवर्स होने को है एंड या लिटिल बिट ऑयली, 4 घंटे के बाद ही मैं थोड़ा ऑयली होने लग गई. बट इट इज़ स्टिल लुकिंग फ्लॉलेस, देर इज़ नो क्रीजिंग नथिंग एंड ब्लशर इज़ प्रिटी मच विजिबल, एवरीथिंग इज़ विजिबल. मैंने लंच भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन ये अभी भी है एंड आई थिंक 8 आवर्स तक मैं इसको रखूँगी आज. ओके, अभी 5 बजने को है एंड मैं बाहर गई थी तो लिपस्टिक का कलर इसलिए चेंज किया था क्योंकि खाना खाने के बाद वो लिपस्टिक फेड हो गया था थोड़ी देर के बाद. एंड मैं अपने आईपैड में दिखा रही हूँ अभी टाइम. सो एज यू कैन सी
इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 9 मिनट्स लेफ्ट, तो इसलिए वहाँ पे जो घड़ी है वहाँ पे भी आप देख सकते हो एंड इट्स स्टिल लुकिंग गुड। एंड क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही थी तो अभी भी ऑयली हो रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट किया था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस फाउंडेशन इज़ अमेजिंग एंड या दिस इज़ अ नाइस एंड वेरी गुड फाउंडेशन। एंड या मैं सामने से दिखा रही, कहीं पे भी कुछ क्रीजिंग नहीं है, स्माइल लाइन नहीं है, कहीं से भी हटा भी नहीं है। इनफैक्ट फाउंडेशन वैसे कि वैसा ही है एंड बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं। एंड इस साइड पे प्राइमर मैंने नहीं लगाया था, इस साइड में प्राइमर लगाया था, तो दिस साइड इज़ लिटिल बिट ऑयली मोर देन दिस साइड। इस साइड में ऑयली कम लग रही हूँ एंड इस साइड में ज़्यादा लग रही हूँ, बट या द फाउंडेशन इज़ रियली अ गुड फाउंडेशन।